हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट टू लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेप्टर होता है, अगर हमको वो टाइमली पेमेंट नहीं दे पाता है, तो जब पेमेंट का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद वो जितना लेट करता है उस पर इंटरेस्ट लगने लगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट को हम कैसे रिसीव करते हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे की वीडियोस को। ये देखिए, ये मैंने टैली को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको बैक करके दिखा रही हूँ। हम उसके लिए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद में यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में, स्टेटमेंट्स ऑफ बुक और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाने के बाद लेजर में जाएंगे हम। लेजर हमारा कौन था, डेप्टर रजनी डीआर। ये देखिए, ये हमारा 156,000 में 3536 रुपए 3 पैसे का इंटरेस्ट था जो उस पर लग रहा था। ऑल्ट F1 से जब हमने डिटेल चेक करी तो वो हमें दिखा रहा था कि 55 दिन पे 15% का आपका इंटरेस्ट 3536 रुपए 03 पैसे लग रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये इंटरेस्ट हम कैसे रिसीव करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब हम किसी डेप्टर से इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं उसके लिए डेबिट नोट ऑप्शन का यूज किया जाता है। जिस तरीके से आप लोग, आपने सेल्स ऑर्डर भी पढ़ा, परचेज ऑर्डर पढ़ा, जब हमारे सामान की वापसी होती तब भी हमने पढ़ा डेबिट क्रेडिट नोट, इसी तरीके से ब्याज का जो पैसा होता है हमें अपने डेप्टर से लेना है तो डेबिट नोट, और यदि हमें अपने क्रेडिटर को देना है तो क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट को यूज करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एस्केप की से बाहर आ जाती हूँ। ये देखिए, एस्केप की से बाहर आने के बाद में मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आके कीबोर्ड से F11 प्रेस करूंगी और अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे हम। और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जो राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है आपको, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ये और इसके नीचे के दोनों ऑप्शंस को हम यस करेंगे, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यस रहने चाहिए और हम इसको एंटर करते हुए सेव करके बाहर आ जाएंगे। अब यदि आप ये चाहते हैं कि आपका जो वाउचर है, यानी कि जो इंटरेस्ट आपने लिया है उसकी वाउचर अलग दिखाई दे, तो हमें उसके लिए एक वाउचर क्लास बनानी पड़ेगी। और अगर आप ये बनाना नहीं चाहते हैं तो आप उसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही प्रोसेस बताती हूँ इस वीडियो में कि इसको कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वाउचर क्लास कैसे बनाई जाती है। तो वाउचर क्लास को बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप्स में जाएंगे। वाउचर टाइप्स में हम ऑल्टर करेंगे ऑल्टर, क्योंकि हम डेबिट नोट में हैं, यहाँ से हम डेबिट नोट चयन कर लेंगे। ये आ गया डेबिट नोट, सारी चीजें हमारी एक्टिवेट ही हैं, बस इसको आप यहाँ पर एंटर करते रहिए। और यहाँ पे जो प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है, अगर आपको ये बिल प्रिंट करना है तो आप इसको येस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिलहाल मैं इसको अभी नो ही रहने देती हूँ। और यहाँ पे हम जो नाम है इसका वो डाल देते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि हम इंटरेस्ट की वाउचर क्लास बना रहे हैं इसके पे, क्योंकि हम ब्याज लेंगे तो हमारा वाउचर अलग दिखेगा। ये इंटरेस्ट में इन दोनों ऑप्शंस को यस कर देंगे। वो बता रहा है आपको इंटरेस्ट अकाउंटिंग में भी चाहिए और कंपाउंड में भी, हम दोनों को फिलहाल यस करते हुए और विंडो को सेव कर लेंगे। अब हम अपने वाउचर्स में चलेंगे जहाँ पे हम वाउचर्स को यूज करते हैं। तो वाउचर ऑप्शन में आते हैं हम और यहाँ से कीबोर्ड से ऑल्ट F9 दबाइए। मेरा फिलहाल डेबिट नोट पहले से ऑप्शन है और देखिए, मैं आपको फिर भी करके दिखाती हूँ। और ऑल्ट के साथ F9 जब आप दबाएंगे तो देखिए, ये आपसे पूछ रहा है नॉट एप्लीकेबल और इंटरेस्ट। तो फिलहाल मैं इंटरेस्ट पे काम कर रही हूँ तो मैं इंटरेस्ट यहाँ पे चूज कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं इसको लूंगी तो देखिए, आप वाउचर में इसका नाम लिख के आ जाएगा ऊपर इंटरेस्ट। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहाँ पे अगर मैं वही इनवॉइस नंबर डालती हूँ जिस पे मैंने उसको सामान बेचा था, तो मेरा 01 था, मैं उसी को ले लेती हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो ऑटोमेटिक है वो रेट स्कैन हो जाएगा। ये देखिए, 01 ले लिया, डेट हमारी ऑलरेडी 25 तारीख रहेगी क्योंकि 25 दिन डिले है हमारा बिल। और उसने ब्याज का पैसा, ये देखिए वो हमें दिखा रहा है कि इस तारीख का बिल है, फर्स्ट 0 नंबर वाउचर नंबर, 55 दिन का आपका जो मतलब इंटरेस्ट है वो क्लियर हो रहा है 3536 रुपए 3 पैसे से। अब हम इसको एंटर करते हुए यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ये देखिए सेव हो गया है। क्रेडिट, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय DR। आप नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, फिलहाल मैंने ये बना रखा है, फिर भी मैं कंट्रोल एंटर से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ऑलरेडी ब्याज का पैसा हमारा एक फालतू का एक इनकम में है। और नाम आप ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल एंटर करके सेव करते हुए बाहर आ जाती हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। अब ये तो डेबिट नोट में मैंने ये दिखाया कि मैंने इससे ब्याज लिया है, अब मैं इसको रिसीव कैसे करूंगी। तो इसको रिसीव करने के लिए हम जानते हैं हमें रिसिप्ट वाउचर का यूज करना पड़ेगा।
हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, पैसा प्राप्त करना है जिससे हम जाते हैं, कीबोर्ड से F6 दबाएंगे आप। इसमें पेज अप करके फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, देखिए 30 दिन में आपका 3536 रुपए का जो अमाउंट है और ये क्रेडिट हुआ है आपके पास पैसा। अब हम इसको रिसीव कर लेते हैं, कीबोर्ड से F6 दबाएंगे, रिसिप्ट वाउचर आ गया है। हमें रजनी DR दे रही है तो हम यहाँ से रजनी DR को सिलेक्ट कर लेते हैं और 3526.03 रुपए का बिल है, सॉरी इंटरेस्ट है, इसको हम यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर लेते हैं। और नीचे हम कैसे लेना चाहते हैं, अगेंस्ट रिफरेंस ले लेंगे हम, क्योंकि किसी के अगेंस्ट है ये किसी बिल के, ये देखिए हाईलाइट भी हो रहा है, वो ऑलरेडी वो सब चीज़ स्कैन करके आपको दिखाएगा कि इतना आपका बिल बन रहा है इतने डेट तक, और इसको आपने कैश में इसको डेबिट कर लिया। अब देखिए रजनी DR के ऊपर हमारा 0 क्रेडिट हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पर कैश ले लिया हमने सारा पैसा, कैश लेके और हम इसको एंटर करते हुए यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब रजनी DR के ऊपर हमारा कोई भी पैसा नहीं बचा है, हमारा ब्याज भी आ चुका है और साथ में पैसा भी आ चुका है। अगर हमने वहां पे फ्रेंड्स प्रिंट का ऑप्शन यस किया होता तो हम इंटरेस्ट का बिल भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमने वहां पे इंटरेस्ट का ऑप्शन कैलकुलेट नहीं किया था इसीलिए हम यस नहीं किया था, इसीलिए हम इसको प्रिंट आउट में नहीं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मैं सारे ही पार्ट, यानी कि जब बैंक से लोन लेते हैं उसका ब्याज, और अगर आप किसी पर्सनल मतलब फ्रेंड से लोन लेते हैं उसका ब्याज, उस तरीके की तमाम वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालने वाली हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you for watching my friends.